शिवपुर जिला अस्पताल के PICU वार्ड में रविवार की रात एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की अफवाह के बाद वार्ड में भगदड़ की स्थिति बन गई। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कलेक्टर अक्षय कुमार सहित स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। इस घटना के दौरान एक मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार PICU में एक माह के छोटू पुत्र सुरेश आदिवासी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद भी जिला पंचायत में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसके चलते उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बच्चे को ग्वालियर रेफर किए जाने के चलते 108 एम्बुलेंस को लेने आई थी। इसी क्रम में एम्बुलेंस के चालक सहित महिला गार्ड ममता ने ऑक्सीजन सिलेंडर में छेड़छाड़ की, जिसके चलते ऑक्सीजन सिलेंडर का फ्लो मीटर फट गया, जिसमें PICU में धमाके की आवाज़ आई। धमाके की आवाज़ के साथ वार्ड में भगदड़ मच गई और देखते ही PICU में मौजूद स्टाफ सहित वहां भर्ती बच्चे उनके परिजनों ने PICU में दौड़ लगा दी। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। घबरा गए और एक्चुअली जब फ्लो मीटर खोलते हैं ना, और अगर आपने अचानक उसको ज़्यादा खोल दिया तो जो प्लास्टिक का ढक्कन है ना वो निकल गया, प्रेशर आता है, ये इशू था। पर यही होता है ना जी, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, और जब जिम्मेदार लोग में से कोई बहुत जगह फोन कर देता है ना तो उसका वो क्रिएट हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है। सर उसमें घायल हुआ नहीं? कोई ज्यादा घायल नहीं, बाकी प्लास्टिक लगने से भी थोड़ा सा छिला, हाथ छिल गया हमारे गार्ड का, थोड़ा सा हाथ छिला है, वैसे कोई घायल नहीं। एक एक ही व्यक्ति ड्राइवर का, गार्ड का, गार्ड गार्ड जो खोल रहा था, जो हमारी गार्ड थी उसका नाम क्या है सर? संदीप मेला गार्ड का। सर ये अभी PICU में एक सिलेंडर फटने की जानकारी सामने आई है, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हुआ है? सिलेंडर नहीं फटा है, फ्लो मीटर ब्रेक हुआ है, उसमें तेज से ऑक्सीजन निकली तो लोग डर गए, किसी ने र्यूमर उड़ा दी कि सिलेंडर फट गया है, लेकिन वो फ्लो मीटर था, छोटी सी चीज ब्रेक हुई है, उसकी वजह से सब लोग घबरा गए। और एक्चुअली जब फ्लो मीटर खोलते हैं और अगर आप अचानक उसको ज़्यादा खोल दिया तो जो प्लास्टिक का ढक्कन है ना वो निकल गया, प्रेशर आता है, ये इशू था। और यही होता है ना जी, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, और जब जिम्मेदार लोग में से कोई बहुत जगह फ़ोन कर देता है ना तो उसका वो क्रिएट हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है। सर उसमें घायल हुआ? नहीं, कोई ज़्यादा घायल नहीं, बाकी प्लास्टिक लगने से भी थोड़ा सा छिला, हाथ छिल गया हमारे गार्ड का, थोड़ा सा हाथ छिला है, वैसे कोई घायल नहीं। एक एक ही व्यक्ति ड्राइवर का, गार्ड का, गार्ड जो खोल रहा था, जो हमारी गार्ड थी उसका नाम क्या है सर? स्टाफ सबसे पहले बाहर निकला क्योंकि मैं सबसे लास्ट में निकली और मैंने गेट पे जाके बाहर देखा है, फिर वहाँ सामने वाली स्टाफ दीदी को बुलाया कि दीदी सब बाहर जा रहे हैं, अपने जो है नीचे ट्रॉमा वाले भैया, हरी वाला भैया, उनको कॉल लगा दो ताकि वो सबको बता दें कि क्या हो रहा है। ठीक है, जिम्मेदारी वैसे स्टाफ की होनी चाहिए कि सब लोग पहले, अगर ये ऐसा काम हुआ है सब लोग को पहले बाहर निकाल दिया जाए, सबसे पहले स्टाफ जाएगा तो सर जी क्या करेंगे हम, तुम बताओ कुछ करेंगे? इन्होंने खाली करने के लिए किसी ने बोला था आपको पहले? नहीं नहीं बोला था ना, आप घबराहट में खाली करके भागे। हाँ घबराहट यही है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इनके हिसाब से केवल नोजल निकला था। कन्फ्यूजन किसने शुरू करा? वो ड्राइवर ने, ड्राइवर तो आपको जरा देखना चाहिए था ना सर, देखना तो चाहिए सर, अगर थोड़ा भी अगर कुछ भी हो जाता तो क्या होता सर, तुम बताओ कुछ हो? स्टाफ की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी तो स्टाफ ही पहले भागेगा तो सर हम क्या करेंगे फिर? वो कह रही सबसे एंड में निकली, सबसे एंड बोल बात कैसा था स्टाफ है कहाँ था? अभी डॉक्टर साहब ने आके देखा ना, अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई है यहाँ पे? दोनों की बाइक क्या घटना हुई है ये तो बताओ। अरे मैं घूम रहा हूँ, हो गया था मतलब लीक क्या हो गया था उसमें, तो क्या सिलेंडर आग लग गई थी, क्या हुआ था, पड़ गया था, उल्टी यही स्टाफ बगा स्टाफ के पीछे सब जनता बगी थी। अच्छा आपके सामने की बात है ये? हाँ मेरे सामने की बात है, मैं अरे इधर से मैं जल्दी आई निकला था मैं जिदे को इनसे। क्या नाम है आपका? आकाश जाटव। कहाँ रहते हो आप? लालगढ़ गांव, ग्राम लालगढ़। यहाँ पर कौन पढ़ती है? यहाँ पर मेरी बच्ची पढ़ती है। आपकी बच्ची? क्या नाम है आपकी बच्ची का? सृष्टि। कितनी देर की बात है ये? सर अभी की बात है थोड़ा ही। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रबंधक आए थे चेक करने के लिए? नहीं सर अभी नहीं आए, अभी नहीं आए डॉक्टर।
तो नर्सों ने कोई मदद नहीं की आप लोगों की? कोई मदद नहीं की। तो सिलेंडर छोड़ के ऐसे ही भाग गए थे? ऐसे ही भाग गए। तो हुआ कैसे था ये हादसा, हुआ कैसे था, मैं क्या कर रहे थे वापस? सर हुआ सर उसमें मतलब क्या सेट वगैरह कर रहा था, भाग तोड़ गया था मैं देखने के लिए, उसमें गैस निकली, स्टाफ बाहर, सो ये सब बाहर। सर ये जो अभी PICU में एक घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम क्या है और बच्चे की क्या पोजीशन है, उस बच्चे को क्या किया गया था? तो बच्चे को दो दिन पहले भर्ती किया गया था यहाँ पे, उससे बच्चे की कंडीशन ख़राब थी, बहुत सीवियर एआरआई ही था, सेप्टी सीमा भी था उसको, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, दो दिन से उसको मैनेज किया जा रहा था जी, उसको अच्छे से मैनेज भी कर रहे थे, सुबह तक ठीक भी था, लेकिन शाम को अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शन आ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसको, तो उसको पूरा ऑक्सीजन लगाया था, इंजेक्शन लगाए थे, उसको रेफ़र करने की हमने कोशिश की थी, रेफर वर्क किया भी था उसको, लेकिन रेफर नहीं हो पाया था। बच्चे का नाम और दीदी वो बच्चा चला गया। क्या नाम था? कैसे खत्म हो गए? नहीं पता, मैं जब ड्यूटी पे आई था मैडम, तो नाम पता तो होगा उसका, बच्चे का नाम छोटू आदिवासी, छोटू आदिवासी कहाँ रहता है? बैराटन। पूरा उसका नाम पता, मोबाइल का नाम ले लो, छोटू आदिवासी बच्चे का, पिताजी का नाम भी तो होगा, सुरेश आदिवासी। उम्र कितनी होगी बच्चे की? बच्चा एक महीने का कुछ दिन का है। एक महीने का था, भर्ती था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।